आज मैं बनाने जा रही हूँ, बच्चे बोल रहे हैं कि स्मैश बर्गर। और जो स्मैश बर्गर होता है ना, यहाँ शॉप की तरह के बनेंगे, क्योंकि हम लोगों के तो स्पाइसी होते हैं, मसाले उसे भरे होते हैं। इस कीमे में कुछ भी नहीं जाएगा, ना ही प्याज, ना टमाटर, ना ही नमक, ना मिर्च। अभी जो मैंने डालना है वो आप इधर देख लीजिएगा। अभी मैंने इसको सारा ऑयली कर देना है, क्योंकि ऑयल बहुत ही कम मैंने लगाया है इसमें, क्योंकि जो स्कीमे में अपनी कोलेस्ट्रॉल है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें चाहिए बीक जो कोलेस्ट्रॉल वाला कीमा होता है ना, वही वाला। आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन कीमा भी ले सकते हैं, और लैम का भी ले सकते हैं। कुछ लोग बीफ के ज़्यादा पसंद करते हैं, मोस्टली जो स्लैश कबाब होते हैं ना वो बीफ ही के होते हैं। अभी मैंने इसको एक बॉल की शक्ल में बना के ना तो रखना है। पहले बॉल बनाऊंगी इसके, तो उधर रख के ना फिर इसको स्मैश उधर ही करना है। थोड़ा सा गर्म हो जाए, ये एक इधर हो गया, दूसरा जो है वो इधर हो गया। अच्छा, इसमें मैंने लेना है, ये मेरे पास प्रेसर है जो कीमे को प्रेस करने वाला है, और इसके ऊपर मैंने ये रखा है जो बटर प्रूफ पेपर होता है। बटर प्रूफ पेपर रखने का ये फ़ायदा है कि ये इससे स्टक नहीं होगा। ये जितना आप रखना है आप इसको प्रेस कर दें। अभी थोड़ा इसको भी प्रेस कर देना है। तो प्रेस हो गया, अब इसको बोलते हैं स्मैश बर्गर। अब ये इसमें से थोड़ा मोटा रह गया, अभी गैस की आंच में धीमे कर देती हूँ। इसमें मैं नमक नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे पास जो है ना ओनियन, वो ओनियन सॉल्ट है, ये इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा ओनियन सॉल्ट एंड गार्लिक। एंड ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ये थोड़ी वो नहीं होती, थोड़ी सी दानेदार, ऐसे क्रश, बिल्कुल पाउडर में नहीं है। मेरे पास है पर मैंने डाली नहीं है। अब इसको थोड़ा धीमी आंच पर पकने देंगे। थोड़ा से और कुक हो जाए तो फिर मैं इनको टर्न ओवर करती हूँ। ये देखेंगे, इसमें ऑयल मैंने नहीं थोड़ा सा डाला था, मुझे इसकी अपनी वो कस्टर्ड निकल गया नहीं हुआ है। इस तरफ भी मैं इसमें थोड़ा सा डालती हूँ ओनियन सॉल्ट जो है। और थोड़ा सा गार्लिक सॉल्ट डाल देती हूँ, दूसरी तरफ सिर्फ मैंने गार्लिक डाला था, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए। और ब्लैक पेपर,
इसे मैंने गैस खोल के आंच पे रखना है, क्योंकि इसमें मैंने अभी ऊपर चीज़ लगा देनी है और साथ ही मैंने इसके बन को रख देना है। अभी ये मैंने इधर से उठा के उधर रख दिया है बंद, और इस पर मैं केचप डालने लगी हूँ। हाँ ये भी हो गया, इस पर रखते हैं और ये भी हो गया। इसका जो फ्लेवर बन गया है ना, बहुत अच्छा तैयार होगा। ये देखें,